और अब ताजा अपडेट यह है कि राजधानी दिल्ली के मोतीनगर में भगवा रंग के कपड़े पहने जिन दो लोगों ने दो दिन पहले कार में तोड़फोड़ करके हंगामा किया था, पुलिस ने उनमें से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मोतीनगर में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ था, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। यूपी के मेरठ में दो पक्ष के लोग कांवड़ की झांकी देखने पहुंचे, आपस में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। दलित पक्ष के एक युवक की मौत हो गई। मौत से इलाके में तनाव है। देखिए पूरी रिपोर्ट। रोता बिलखता ये परिवार रोहित कुमार का है, जो इस दुनिया में नहीं है। कावड़ की झांकी देखने के चक्कर में दो पक्षों में बवाल हुआ। नतीजा ये कि रोहित कुमार बेमौत मारे गए। ये वही जगह है जहां पर उल्देपुर गांव में दो पक्षों के बीच में कल रात यानी कि बीती रात जो कांवड़ियों की झांकियां होती हैं उसको देखने को लेकर विवाद हुआ। दरअसल ये नहर की पटरी है और इसी पटरी से कांवड़िये जो है बड़ी संख्या में गुजरते हैं। मौके पर पुलिस पहुंची। परिवार का दर्द देखकर ये पुलिस वाला भी रोने लगा। देखिए कैसे पीड़ित पक्ष का शख्स पुलिसकर्मी से लिपट कर रो रहा है। आपसी संघर्ष कितना भयावह रहा होगा इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। गली में ईंट पत्थर पड़े हैं, दीवारों पर ईंट मारने के निशान हैं, दूध का कैन गली में पड़ा है। घर के आंगन में मची इस तबाही को भी देख लीजिए। हर छत पर इसी तरीके से इतनी तादाद में ईंट और पत्थर आपको नजर आएंगे और जो सामने की तरफ घर हैं, जो ऊंची ऊंची छतें हैं, ये दलितों की हैं। उधर की तरफ से पत्थरबाजी होती है और दलितों का कहना है कि इधर से भी पत्थरबाजी हुई। आरोपी पक्ष का कहना है कि ये पत्थरबाजी दलितों की तरफ से की गई। करीब 8 बजे की बात होंगी ये, मैं बाहर था। वैसे मुझे बाद में पता चला था यहाँ ऐसा कुछ हो गया, मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, पर बाद में पता चला कि दलितों ने यहाँ पर आकर इनके साथ मारपीट करी है। जब मैंने देखा तो ईंट पत्थर बज रहे हैं, तो फिर मैंने भी बजाए, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने बजाए, फिर हमारे लम्डे चोट लगी, हमें ठाकर भाग गया। वही पुलिस इसे कांवड़ की झांकी के दौरान हुआ जातीय संघर्ष बता रही है। तो पीड़ित परिवार की इस महिला की कहानी भी सुन लीजिए। तो यहाँ की वो नहीं था कुछ भी, मोदीपुरम हुई कही थी दूसरे लड़कों के साथ, उन्होंने दुल्हड़े बुला लिए तो उन्होंने यो हमला करा सवेरे। आज जब गांव वापस आने के पश्चात सुबह हुई तो एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर पे गया था उलाहना देने के लिए, इसके संबंध में बातचीत करके इसका निदान करने के लिए, लेकिन इस बीच उनमें विवाद और बढ़ गया और आपस में मारपीट में तब्दील हो गया। जातीय संघर्ष की घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ के उल्देपुर गांव की है। कांवड़ की झांकी देखने के चलते दो पक्षों में बवाल हुआ। दलित पक्ष के लोग आरोपी पक्ष के पास सुलह के लिए पहुंचे थे, वहां दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। इसके बाद लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई, 9 लोग जख्मी हुए जिसमें से एक युवक की मौत हो गई। पीड़ित परिवार शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था, तब पुलिस ने तनाव को देखते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया। भयंकर तनाव जो है वो उल्देपुर गांव में देखा जा सकता है कि इस वक्त जो दलित समुदाय के लोग हैं वो यहां पर डेड बॉडी रखकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन अब पुलिस ने जबरन डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पक्ष के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब आपको मुजफ्फरनगर में भगवा रंग के कपड़े पहने लोगों का उत्पात दिखाते हैं, जहां उन्होंने तिरंगा झंडा लगी कार में तोड़फोड़ करके कोहराम मचा दिया। सिर्फ 28 सेकंड में दिल में खौफ पैदा करने वाले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी।
वीडियो में भगवा रंग की गोल गले की बनियान और भगवा रंग की हाफ पैंट पहने दर्जनों लोग दिख रहे हैं और वो लगातार गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। चश्मदीप के मुताबिक इस कार में कांवड़ यात्रा पर जा रहा एक परिवार था जिसमें दो बुजुर्ग, महिला और बच्चे भी शामिल थे। कार को ध्यान से देखने पर उसके अंदर भगवा रंग के कपड़े पहने ड्राइवर की पहचान हो रही है। कार वाला भी बोला ही था, उसमें तीन बच्चे थे, दो बड़े थे, उन सबको भी बहुत मारा, चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। इनके माथे पर गुस्सा इतना सवार था कि इन्होंने कार पर लगे तिरंगे झंडे का भी मान नहीं रखा और कार में तोड़फोड़ करते रहे। बीच सड़क पर उत्पात की ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर के भगत सिंह रोड की हैं। बताया जा रहा है कि कार से भगवा रंग के कपड़े पहने इन युवक में से किसी को हल्की सी टक्कर लग गई। इससे नाराज इन लोगों ने कार में मौजूद लोगों की पिटाई शुरू कर दी और कार में तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस के पास किसी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस का दावा है कि भगवा रंग के कपड़े पहने ये लोग कांवड़िए हैं जो डाक कांवड़ लेकर हरिद्वार से लौट रहे थे। कहा जाता है कि डाक कांवड़ियों को 24 घंटे के अंदर मंदिर आकर जल चढ़ाना होता है, वो कहीं रुकते नहीं है, लेकिन तस्वीरों में देखकर तो लग रहा है वो रुके भी और तोड़फोड़ करके फरार भी हो गए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।